वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो DIY प्लांटर आइडिया या प्लांटर पेंटिंग आइडिया है, और यू कैन से इट्स रिसाइकल प्लांटर। आई हैव मेड दिस प्लांटर फॉर आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, सो इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक वॉचिंग। मेरे पास एक वेस्ट पेंट कैन पड़ी थी, और एक्चुअली ये मैंने बेसमेंट से लिया था। ये वेस्ट थी बिल्कुल, जिसको हम थ्रो करने वाले थे, पर आई गॉट एन आइडिया कि इसे क्यों ना प्लांटर में चेंज करते हैं। और ये एक बकेट थी जो बहुत गंदी हो गई थी और फूट भी गई थी, तो हम इन दोनों चीज़ों को एज ए प्लांटर कन्वर्ट करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम कन्वर्ट करते टाइम हम थीम का ध्यान रखेंगे। हम इन दोनों को नेचुरल सी थीम बेस्ड प्लांटर बनाने वाले हैं, क्योंकि हम जिसको जहाँ रखने वाले हैं वहाँ जितने पेंटिंग्स हैं, जितने एक्सेंट पीसेस हैं, सब पे नेचुरल सीन्स हैं, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मैं आज एक वाटरफॉल पेंटिंग बनाने जा रही हूँ। मैंने एक्चुअली इस बकेट को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मुझे कहाँ से सनराइज दिखानी है और कहाँ से वाटरफॉल दिखाना है और कहाँ पर प्लांट्स दिखाना है। एक्चुअली दिस पेंटिंग आई गॉट, मैंने सीखा है, एक चैनल है यूट्यूब का, गुडनेस इन यू, उनसे मैंने ये पेंटिंग बनानी सीखी है। सी हैज मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से बनाया है, तो मैंने वहीं से सीखा। अगर आप लोग देख चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ये कुछ भी स्पॉन्सरिंग या ब्रांड अवेयरनेस कुछ भी नहीं है, बट मैंने जो सीखा है दिस इज़ ऑल अबाउट माई ऑनेस्टी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से सीखा है और ये इंस्पायर्ड भी वहीं से है। जिसमें कलर्स यूज़ किए हैं वो है डार्क ब्लू, वाइट, लेमन एंड ब्लैक। अभी मैं वाटरफॉल बनाने जा रही हूँ, ब्लू एंड वाइट कलर को मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया है, और उसे मुझे एक लाइट ब्लू कलर मिल गई है। उससे मैं इसी तरीके से ब्रश को बस टैप खींचने जैसा करना है, पूरी तरीके से पेंट नहीं करना है, थोड़ा सा पेंट लगा करके टैप करके खींचना है, उससे एक फ्लो जैसा दिखने लगता है, तो वही करना है अभी। अभी इस जब तक ये वाटरफॉल वाली जो सेक्शन है वो सूख रही है, तब तक हम एक दूसरी फ्लैट ब्रश लेकर के टैप 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 करेंगे हर जगह, टैप 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 ऐसे ग्रीन कलर लेके करेंगे जो ब्लैक सेक्शन है उस पर। इससे ये व्यू आएगा कि दीज आर द ग्रीनर एरिया, वहाँ पर हम प्लांट्स बनाने वाले हैं इन फ्यूचर, मीन्स थोड़ी देर बाद हम बनाएंगे वहाँ पर प्लांट्स। तो अभी हम वहाँ पर पूरा डैप डैप ग्रीन कर रहे हैं। अब देखिए, वाटरफॉल का जो ब्लू सेक्शन था वो सूख चुका है, अब उस पर मैं वाइट सेक्शन से, फुल वाइट सेक्शन से वाटर का फॉल दिखा रही हूँ। ये वाटर गिर रहा है जहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वाटर गिर रहा है, वहाँ पे भी आपको थोड़ा टैप टैप करना है, ताकि वाटर का एक फाउंटेन जैसा, मीन्स एक फव्वारा जैसा दिखे। मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि पानी एक जगह एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक्चुअली जितने भी नेचुरल पेंटिंग्स होते हैं वो सेड एंड शैडो एंड डेप्थ का ही कमाल होता है। आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिखाना पड़ता है, डेप्थ पोर्शन दिखाना पड़ता है, उससे एक रियलिज्म आता है पिक्चर में, तो वही करना है बेसिकली। और अभी मैं जो ग्रीनर पार्ट था उस पर हाईलाइट करने के लिए येल्लो का यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली सेम मेथड है, एक फ्लैट ब्रश लेना है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पेंट लेके टैप 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 पूरा करना है। और मैंने इस पर अब मैं इसके जब ये पूरी पेंटिंग सूख चुकेगी तब हम स्टोन्स बनाएंगे। स्टोन्स बनाने के लिए मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया, डार्क ब्राउन कलर, डार्क। और उसी कलर से मैं ट्री के ब्रांचेज बना रही हूँ एंड ट्रंक भी बनाया है मैंने। तो दो ट्री एक साइड में, दो ट्री एक साइड में, से प्रोपोर्शन का ध्यान रखना पड़ता है कि जो सेक्शंस आपने डिवाइड किए ट्री के लिए, वाटरफॉल के लिए, वो इक्वल होने चाहिए। बकेट में एक्चुअली बकेट प्लेन तो थी नहीं, इस पर कुछ कर्व्स बने हुए थे, बट स्टिल आई ट्राई कि हम मैं बेस्ट दे सकूँ इस पेंटिंग के साथ, थोड़ा जस्टिस कर सकूँ। आफ्टर स्टोन्स के बाद मैं लाइट ब्राउन कलर से उसका हाइलाइटेड पोर्शन बना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कि लाइट ब्राउन कलर से, ब्राउन कलर में अगर आप वाइट मिक्स करेंगे तो लाइट ब्राउन कलर हो जाता है। अब उसके बाद मैं वाइट कलर से उसके कार्विंग्स, स्टोन्स की छोटी छोटी लकीरें जो होती है वो बना रही हूँ। इसे आपका स्टोन्स एक रियल स्टोन्स जैसा लगेगा, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। या
और मैंने इस पूरी पेंटिंग के लिए बेस कोट इनामेल कोट की थी वाइट कलर की, बिकॉज इनामेल एक थिक पेंट होता है और वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है लाइक टिन प्लास्टिक इस सारे मटेरियल को। तो एक इन प्लेस ऑफ एक्रेलिक मैंने इनामेल पेंट यूज़ किया था एज ए बेस कोटिंग। अब ट्री के ब्रांचेस बन के अब मैं ट्री के लिप्स बना रही हूँ, ये ऑरेंज कलर से बना रही हूँ। एक तरफ येलो था लाइम येलो और ऑरेंज की ऑरेंज का ऊपर हाईलाइट दे रही हूँ, और एक दूसरे साइड में लाइट पिंक कलर यूज कर रही हूँ। तो दोनों ही ऑटम कलर्स हैं, मीन्स विंटर में जनरली इस कलर के फ्लावर्स हम देखते हैं, तो वैसे ही कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और हाइलाइटेड पोर्शन को लेमन येलो एंड वाइट से करूँगी। आफ्टर मेकिंग ट्री हम ब्रांचेस को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे यूजिंग ब्लैक कलर, और हाइलाइटेड पोर्शन को अभी ट्री के हाइलाइटेड पोर्शन को फिर मैं वाइट से, और जो डेप्थ पोर्शन है उसको ब्लैक से करके ब्लैक से कलर किया ताकि डेप्थ आए ट्री में। और हाइलाइटेड पोर्शन मीन्स अपर पार्ट जो ट्री का होता है साइड पार्ट, उस पर वाइट किया है। अभी मैं वाइट का हाईलाइट दे रही हूँ पूरी ओवरऑल पेंटिंग पे। तो ये देख सकते हैं कि पेंटिंग बिल्कुल अच्छी बन गई है, और ये ऐसे लग रही है कि जैसे मैंने कोई टिश्यू पेपर के थ्रू इसको डिकॉपीज किया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये पूरी पेंटिंग ऐसे बनी है, ये बहुत सुंदर बनी है एक्चुअली, थैंक्स टू गुडनेस इन यू। नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो है पेंट कैन वाली पेंटिंग, जो मैंने आपको इनिशियल में दिखाया था। उसे पेंट को मैंने वाइट कलर से कलर कर दिया है सेम एज प्रीवियस। उसके बाद मैं इस पर सनराइज़ की पेंटिंग बनाने वाली हूँ, तो मैं लाइट ब्लू कलर से, ब्लू कलर में थोड़ा सा वाइट मिक्स करके स्काई बना रही हूँ। उसके बाद ऑरेंज कलर का शेड दे रही हूँ। बेसिकली नेचुरल पेंटिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई भी शार्प लाइन्स नहीं बनाने हैं, आपको कलर को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। कैनवास में ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, बट ये पेंट कैन है और क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होता है, तो आपको थोड़ा कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले से ब्लेंडेड कलर्स आपको डालने पड़ेंगे। तो मैंने ये ब्लू और यूज़ किए हैं, उसके बाद ऑरेंज यूज़ किए हैं, उसके बाद डीप रेड कलर यूज़ किया है, और एक पार्टीशन दिखाने के लिए स्काई एंड अर्थ का एक पार्टीशन दिखाने के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया है। और उसके बाद आफ्टर द ब्लैक कलर उसको भी मैं थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ विथ ऑरेंज एंड रेड कलर। अभी मैं एक सन बना रही हूँ वाइट कलर से, और थोड़ा क्लाउड्स भी वाइट कलर से डाल रही हूँ, और क्लाउड्स का शेडो भी ऑन द अर्थ पार्ट पे डाल रही हूँ। उसके बाद हम इस पर लाइम येलो कलर यूज़ करेंगे टू द फुल सनराइज सीन। एक्चुअली ये पेंटिंग बनाना आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस कलर ब्लेंडिंग थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। कोई भी शार्प लाइन्स कहीं पे भी आपको एक शार्प कलर दिखाना नहीं होता है। आफ्टर मेकिंग दिस मैंने दो तीन कोकोनट ट्री बनाए हैं और कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। दिस इज़ इट। ये कितना भद्दा सा पेंट कैन, कितना सुंदर लग रहा है, और ये आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कोई प्लांटर्स रखा है, बिल्कुल एक सीनरी की तरह आपके घर में रहेगा क्योंकि तो बहुत सुंदर लगता है।
तीसरी जो रिसाइकल्ड प्लांटर है वो है फैब्रिक प्लांटर। मैं ये ओल्ड और जो फट गए होते हैं जीन्स, जिसको हम यूज़ नहीं करते, उस जीन्स से यूज़ करने वाली हूँ। जीन्स के एक लेग सेक्शन का जो क्लोथ है वो मैंने लिया है। इसको मैंने 20x20 inches के स्क्वायर पीसेस में कट किया है। एग्जैक्टली शेप में नहीं है, बट दैट्स ओके। हम इसको चिपकाएंगे, अगर हमें सिलना होता तो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना पड़ता है, पर चिपकाने में हम थोड़ा ज़्यादा ही लगते हैं क्लोथ का मेजरमेंट। और ये 4x4 inch का स्क्वायर साइड में कट किया है। जहाँ जहाँ से हमने कट किया है उसको हम बॉटम पार्ट बनाने वाले हैं। और जो लाइनिंग के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट रेड कलर लिया है, और उसको भी सेम शेप में कट करना है जैसे कि हमने DIY फैब्रिक सॉरी जीन्स के फैब्रिक को कट किया है। अब मैं सारे सेक्शन को चिपका दूंगी। एक सेक्शन को ओपन रखना है जो कि टॉप का पार्ट है, उसको ओपन रखना है। हम लेफ्ट साइड तो हमारा ऑलरेडी एक फोल्डेड पार्ट है तो वहाँ चिपकाने की जरूरत नहीं है। राइट साइड को चिपकाएंगे, बॉटम को चिपकाएंगे, और सेम उसी तरीके से हम लाइनिंग पे भी करेंगे, लाइनिंग के लिए भी करेंगे। जब बॉटम चिपकने के बाद जो ये सेक्शन बचता है जहाँ से हमने फैब्रिक कट किया था, उसको आपको इस तरीके से चिपकाना है। ये चीज़ें, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे फैब्रिक प्लांटर में। यही आपके प्लांटर को एक शेप देगा। अगर आप चाहें तो इसके नीचे एक बुकरम सीट जो आती है या लाइनिंग सीट आती है वो भी लगा सकते हैं, बट मेरी फैब्रिक जो बहुत स्टिफ थी और मुझे प्लांटर के लिए चाहिए था, तो वो ऑलरेडी स्टिफ हो जाती है प्लांटर रखने के बाद, तो इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप एज ऑर्गेनाइजर इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर बुकरम सीट इसमें लगाना चाहिए। और सेम जिस तरह से जैसे मैंने जीन्स के कपड़े को चिपकाया है, उसी तरीके से आपको ये कपड़े को भी के साथ भी ऐसे ही करना है। अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आई थिंक। मैंने प्रेस नहीं किया था, मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, और बाकी सेम करूँगी जैसे जीन्स के क्लोथ के साथ की है। मैंने एक लेफ्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है ताकि मैं इसको फिर से अगर मुझे पलटना हो तो मैं पलट सकती हूँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करके उसके ऊपर के पार्ट को हम चिपका रहे हैं ग्लू गन से। ग्लू गन आपको अच्छी मात्रा में यूज करना है ताकि वो अच्छी तरीके से चिपक जाए आपको, क्योंकि हम सिलाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्लू गन लगा रहे हैं। अगर आप सिलाई में कंफर्टेबल हैं तो सिलाई कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद जो हमने छोटा सा पार्ट छोड़ा था वहाँ से हम इस फैब्रिक प्लांटर को उलट देंगे, मीन्स सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो स्पेस छोड़ा था हमने उसको भी ग्लू गन से चिपका देंगे, और इस तरीके से हमारा फैब्रिक प्लांटर रेडी हो गया। ये बिल्कुल बहुत इजी है, 15-20 minutes में ये आराम से बन जाता है, और बहुत सुंदर लगता है, आपके इंटीरियर को बहुत अच्छा एक लुक देता है एक्चुअली। और आपने ये सारे प्लांटर्स रिसाइकल्स बनाए हैं जिसमें जीरो कॉस्ट है, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये सारे आइडियाज़ कैसे लगे। अगर आपको आपके ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।